हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स के थर्ड चैप्टर को, जो हमारा है ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स। हम लोग लार्ज नंबर्स पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा आगे में पढ़ेंगे। ऑपरेशन ऑन लार्ज नंबर्स जो है वो फोर बेसिक रूल्स पे चलते हैं, जैसे कौन कौन सा, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एडिशन के बारे में पढ़ेंगे। एडिशन में क्या है हमारे, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं 30, 25, इसको ऐड किए, ये जो है हमारा, ये है हमारा एडेंड्स, इसको बोलते हैं एडेंड, और ये है हमारा सम। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसके रूल्स पर आते हैं, जो बेसिक रूल्स है हमारा उस पर हम लोग चलते हैं। रूल नंबर वन है हमारा, द सम ऑफ अ नंबर एंड जीरो इज द नंबर इटसेल्फ, जीरो इज नोन एज द एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसमें हम लोग, इसका मतलब है जब हम लोग सम में कोई भी नंबर जो है वो हमारा, अगर उसमें जीरो ऐड हो जाता है तो नंबर सेम ही होता है। एग्जांपल जैसे हम लोग ले लेते हैं 4, 3, 2, 8, 6 + 0, ये हमारा रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा, 4, 3, 2, 8, 6। ठीक है, उसी तरह एक नेक्स्ट हम लोग रूल नंबर टू पे आते हैं, द सम ऑफ ए नंबर एंड वन इज द सक्सेसर ऑफ द नंबर। इसमें क्या कह रहा है, जो हमारा नंबर है उसमें अगर हम वन ऐड कर देते हैं तो वो हमारा रिजल्ट क्या होता है, सक्सेसर होता है। सक्सेसर हम लोग पहले भी पढ़े हैं कि सक्सेसर में क्या होता था, वन ऐड हो जाता था। फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई नंबर ले लेते हैं 603954, अगर इसमें हम वन ऐड कर देते हैं तो हमारा रिजल्ट क्या होगा, एक बढ़ जाएगा, 603955। ठीक है, इसी तरह हमारा एक लास्ट रूल और है, रूल नंबर थर्ड। ये सारे रूल्स हमको याद रखना है, ये हमारा बेसिक रूल्स है जो कि भूलना नहीं है। रूल नंबर थर्ड, द सम इज नॉट affected by the order of the addends। example दे देते हैं पहले, उसके बाद समझ में आएगा। ठीक है, ये हमारा जो नंबर है, अगर हम इस नंबर को अगर पोजीशन चेंज कर देते हैं 251964 63, और ये जो नंबर है इधर लिख देते हैं
1, 2, 7, 5, 3 जो नंबर है उसमें हमारा कोई इफेक्ट नहीं डालेगा ये। इसको अगर हम सम करेंगे तो हमारा उतना ही रिजल्ट देगा जितना ये देगा, तो ये हमारा पोजीशन चेंज करने से इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये था हमारा 3 बेसिक रूल्स। उसके बाद है हमारा कुछ क्वेश्चंस। क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन रहता है जैसे ऐड करने के लिए रहता है, लास्ट नंबर को ऐड करने को देता है 2519204279345414 5 6 0 ऐड करते हैं। ये हमारा हो गया 8, ये हमारा हो गया 11 का 1 कैरी, 9 10 11 12 12 का 1 कैरी, 10 14 15 17 का 1 कैरी, 12 का 1 कैरी, 13 का 1 कैरी, ठीक है। हम लोग ऐड तो पहले भी किए होंगे लेकिन ये थोड़ा लार्ज नंबर पे है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 5004 0372। इसको ऐड करते हैं 8, ये हमारा 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 5,
आते हम लोग रिप्लेस स्टार बाय द करेक्ट डिजिट. जैसे हमारा ऐड दिया रहता है पर उसमें कुछ कुछ डिजिट जो है वो हमारा मिसिंग होता है, तो उसको कैसे जानेंगे हम लोग? अब इसको ऐड करना है. कैसे करेंगे? तो 5 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा होता है 13. यहाँ नीचे पहले से 3 लिखा हुआ है हमारा, यानी कि ये 3 लिखा हुआ है, यानी कि इसमें कुछ ऐड नहीं हुआ है. 0 हो सकता है यहाँ,
जीरो जीरो, 13 का 1 कैरी गया होगा यहाँ पर, तो क्या हो सकता है, 1 कैरी गया होगा तो ये हो गया 10, 11, 12 और यहाँ हमारा 5 है। 12 तो पहले ही हम लोग जान चुके हैं 12 है ये, अब 12 में और कितना ऐड हुआ होगा कि यहाँ 5 है, 12 में और 3 ऐड हुआ होगा तो हमारा 15 हो गया होगा, तो यानी कि हम यहाँ 3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसके बाद है ये हमारा हो गया 15, 15 का 1 कैरी, अब इसको ऐड करते हैं, ये हो गया हमारा 9, 10, 11, 12, 12 हो चुका है, 12 तो ये पूरा है, 12 में और कितना ऐड हुआ होगा कि ये 8 है यहाँ, 12 में और 6 ऐड किए होंगे तो यहाँ हमारा 18 हो गया है, यानी कि यहाँ हमारा क्या होगा, 6। नेक्स्ट उसी तरह ये हमारा हो गया कितना, 9, 15, 15, 17, 18, 18 का यहाँ 1 कैरी फिर से, ये हो गया हमारा 10, 19, 19 और ये हो गया 23, 23, यानी कि यहाँ 3 हो सकता है, 3 और यहाँ 2 कैरी गया होगा, 5, 6, 7, 7 हो गया, 7 में और कितना ऐड हुआ होगा, 7, 7 हो गया, 8 ऐड किए होंगे तो ये हमारा हो गया 15, 7 और 8, 15, 15 के बाद 1 कैरी फिर से लिए, ये हमारा हो गया 4, एक 5, 5 है पहले से, 5 में और 7 और अगर ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 12, 12 का 2 यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ 1 कैरी फिर से चला जाएगा, ये हो गया हमारा 5, 5 यहाँ फिर 7 लिख देंगे, 5 और 7 हो जाएगा हमारा 12, 12 का 2 यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ 1 कैरी 2। इसी तरह से हमारा ये बनेगा, इसी तरह का क्वेश्चन आते रहता है, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। नेक्स्ट हमारा वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम का कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। इन अ सिटी देयर आर 2, 3, 5, 0, 1, 8, 9, 8 men. Three, one, four women and 5, 1, 2, 9, 4, 1, 7 children. What is the total population? What is the total population of the सिटी? क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एक सिटी में हमारे इतने नंबर मेन हैं, इतने वुमेन हैं और इतने चिल्ड्रंस हैं, तो हमारा टोटल पॉपुलेशन क्या होगा सिटी का? ठीक है, सॉल्यूशन नंबर ऑफ मेन
नंबर ऑफ मेन कितने हैं? 2, 3, 5, 0, 1, 8, 9, 8. नेक्स्ट नंबर ऑफ वीमेन, नंबर ऑफ वीमेन हो गया 1, 5, 6. ठीक है, ये हमारा हो गया नंबर ऑफ वीमेन. अब है नेक्स्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस, नंबर ऑफ चिल्ड्रेंस क्या था? टोटल पॉपुलेशन. तो सो टोटल पॉपुलेशन हम क्या करेंगे, टोटल पॉपुलेशन निकालने के लिए तीनों को ऐड कर देंगे, नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वुमेन, नंबर ऑफ चिल्ड्रेन. टोटल पॉपुलेशन इज इक्वल टू, ऐड कर देते हैं इसको, 19 का वन कैरी, 12 का वन कैरी, 16 का वन कैरी, 11 का वन कैरी, 10 का वन कैरी, 13 का वन कैरी, 14 का वन कैरी. ठीक है, इसी तरह से बनेगा हमारा. नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम का एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग. जैसे क्वेश्चन आता है हमारा, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 6339507. Is the smaller number is 25340. Find the greater number. क्या कह रहा है क्वेश्चन? दो नंबर का जो डिफरेंस है, डिफरेंस मीन्स दो नंबर को जब हम लोग माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, इफ दस ये इतना आ रहा है, तो स्मॉलर जो दो नंबर है उसमें का जो छोटा नंबर है वो हमारा दिया हुआ है और जो बड़ा नंबर है वो नहीं दिया हुआ है. जैसे छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए दो नंबर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा आ रहा है 3. ठीक है, तो दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा इतना आ रहा है, छोटा नंबर हमारा हो जाता है 2. तो यहाँ बड़ा नंबर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे. ठीक है, उसी तरह से हमारा ये जो बड़ा नंबर,
ये हमारा जो दो नंबर है उसका ये दिया हुआ है, डिफरेंस दिया हुआ है, और स्मॉलर नंबर भी दिया हुआ है, तो हमारा ग्रेटर नंबर क्या होगा, मतलब इस पोजीशन पे जो नंबर है वो हमको फाइंड करना है। तो क्या होगा, हम दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि इसको ये नंबर और ये नंबर दोनों को क्या करना है, ऐड कर देना है। ठीक है, सॉल्यूशन डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज इक्वल टू 6329। स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर हमारा क्या है, 25340। ऐड करना है हमको, ग्रेटर नंबर निकाल लेंगे, ग्रेटर नंबर हम क्या लिखेंगे, सो द ग्रेटर नंबर इज इक्वल टू 7, 4, 8, 14, 7, 6, 5, 6। ठीक है, समझ में आया होगा, आई होप आप लोग को ये सब समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में सब्ट्रैक्शन के रूल पढ़ेंगे, सब्ट्रैक्शन के रूल, उस पर बेसिक क्वेश्चंस, और उससे आगे मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब एक एक करके पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।